सोनभद्र जिले में देश का एकमात्र फॉरेस्ट पार्क है। 8 अगस्त 2002 को जीवाश्म पार्क के रूप में इसका उद्घाटन किया गया। यहाँ फॉरेस्ट यानी जीवाश्म देखने दूर दूर से लोग आते हैं। विदेशी भी इस पार्क से खींचे चले आते हैं, लेकिन आज ये अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। ये पार्क अपने आप में अनोखा है, क्योंकि ये साधारण पार्क नहीं है, ये फॉरेस्ट यानी जीवाश्म का पार्क है। सोनभद्र के सलखन गांव में स्थित इस पार्क में दूर दूर से लोग खींचे चले आते हैं। इसे आधिकारिक तौर पर सोनभद्र फॉरेस्ट पार्क के रूप में जाना जाता है। सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे देश का ये एकमात्र फॉरेस्ट पार्क है। यहाँ के जीवाश्म बेहद पुराने बताए जाते हैं। ये लोग मिल करके उसकी खोज किए और इन लोगों ने पत्रिकाओं के माध्यम से, पत्र समाचार पत्रों के माध्यम से उसका जो है प्रकाशन कराया और सरकार के की ओर उसका ध्यान आकर्षित कराया। तब जा करके तमाम देशों के वैज्ञानिक भूतत्ववेत्ता यहाँ पर आए और उसकी घोषणा किए। तब जा करके कि जो है फॉरेस्ट पार्क को क्या नामकरण, विधिवत नामकरण हुआ। हम आए हैं घूमने के लिए, कि सुने थे कि यहाँ पर अजीब चीज का है, वो देखने के लिए आए थे। क्या लगा आपको? हम यहाँ पर सब कुछ तो देखे ठीक है, जैसा सुना था वो था, किंतु यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। कैमूर वन्य जीवन अभ्यारण के पास ये पार्क 25 हेक्टेयर में फैला हुआ है। दिसंबर 2002 में यहां एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का भी आयोजन किया गया था, जिसमें भारत और विदेशों के 42 प्रतिनिधि शामिल हुए, जिससे इसे विदेशों में भी पहचान मिली। फॉरेस्ट की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। पार्क पर सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्च भी करती है, लेकिन आज ये अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। पता नहीं चल रहा कि ये पैसा आखिर कहाँ जा रहा है। ऐसा लगता है कि पार्क को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। सोनभद्र से हरेंद्र दुबे, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।